अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोर रियाज सीरीज में आपको वेलकम है। आज की इस एपिसोड में हम आपको रियाज के मज़ाफात में कुछ पहाड़ दिखाएंगे। पहाड़ों के ऊपर हम चढ़ने की कोशिश करेंगे, पहाड़ों की साख, पहाड़ों की बनावट के ऊपर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। असल में पहाड़ क्या होते हैं? एक महदूद इलाके में अपने इर्द गिर्द की नस्बत उभरी हुई चोटी या ज़मीन को पहाड़ कहा जाता है। आमतौर पर पहाड़ जो है बड़े बुलंदो बाला और दुशवार गुजार भी होते हैं, और पहाड़ों के मुताले के इल्म को अलजबलियात या ओरियोग्राफी कहा जाता है। ये पहाड़ जो असल में एक संस्कृत जुबान का लफ्ज है, फारसी जुबान में से कोह या पर्वत कहते हैं, संस्कृत हिंदी और उर्दू में कोह या पर्वत और पहाड़ का लफ्ज जो है ये उर्फ़ आम में मकबूल है। जबल अरबी जुबान में कहा जाता है, माउंटेन हिल अंग्रेजी जुबान में कहा जाता है। पहाड़ों का जो एक सिलसिला होता है उसे कोहसार कहा जाता है। तो अभी आप देखिए हमारे साथ पहाड़ों को, रियाद के पहाड़ को। बहुत शुक्रिया। ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ए ना तेरी ना मेरी, चार दिन दुनिया में फिर मिट्टी दी मेरी। और टुर गए यार मोहब्बत वाले, ले गए नाली हासे, दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद जाइए केड़े पासे, दुनिया डाडी हमारे डर दे उफना कर दे, टुर गए यार छोड़ा दे के, ना जिंदे ना मर दे, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चिया दे संग लाई, सदके जावा उना उच्चिया तू जननी विया नाल निभाई, ते नीचा दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, नीचा दी अशनाई कोलू
ऐज किसे ना पाया कि करते अंगूर चिड़ाया हर गुच्छा जख्माया दुनिया ते जो कम ना आवे ओखे सोखे वेले उस बेफैज संगी कोलू बेतर यार अकेले। जब आपने इतने पहाड़ चढ़ने हैं तो आपके पास पानी का जखीरा होना चाहिए, आपको बहुत प्यास लगती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में पानी आप पीते रहें ताकि आपको ये जनाब पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखें ये पत्थर, ये जो है ये ब्राउन कलर का पत्थर है, बिल्कुल यहीं पे आपको ये पत्थर है दो कलर का, ये देखिए ये आपको एक पत्थर मिल रहा है, इसका एक हिस्सा काला है और एक ये एक ही पत्थर है लेकिन दो मुख्तलिफ रंगों में, दो मुख्तलिफ चट्टानों से बना हुआ है। रोशनी में दिखाई सही नहीं दे रहा। ये आप पत्थर देखिए पहाड़ों के अंदर ये पत्थर कोई काली चट्टाने हैं, बहुत मुश्किल काम है जी पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। ओह ये हम सारा रास्ता चल के आए हैं, ये आप देखिए इन पत्थरों को काले, ये इस पत्थर को देखें आधा काला है और आधा, मैं आपके पास आता हूँ ना, ये इन्होंने कुछ पत्थर से एक्सप्लोर किए, वाह मुख्तलिफ कलर्स का पत्थर, वो पहाड़ी के ऊपर दो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, एक का ताल्लुक कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से, दूसरों का ताल्लुक कोटली सतियों के पहाड़ी इलाकों से, तो वो पहुंच गए दोनों पहाड़ की चोटी के ऊपर। ये देखें जनाब दो रंग के पत्थर, ये हम पहाड़ इतना चढ़ के आए हैं, ये आपको नजर आ रहा है वो गाड़ी हमारी खड़ी है, अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ी के। पहाड़ जो है वो चढ़ लिया है, अगर आ सको तो आओ इन्हीं रास्तों पे आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कैक्शन नहीं है। हाँ जी ये पत्थर का आप देखें कि इस पत्थर में कैसा शगाफ हुआ हुआ है, तो ये यकीनन किसी कीड़े का घर हुआ होगा इस पत्थर में। लेकिन ये पत्थर है वेरी हार्ड है, और ये देखो आवाज देखिए इसकी बहुत हार्ड है, लेकिन देखने में नजर आ रहा है मिट्टी है। यार गाड़ी की तरह गाड़ी सामने नहीं है ना, आ जाए आप। इस पत्थर को गौर से देखिए आप, अंदर गुहार बने हुए, ये आप देखिए यहाँ पे दिख
देखिए ये आप ये पत्थर ऐसे लगता है जैसे मिट्टी है, हालांकि ये मिट्टी नहीं है। बहुत सख्त है, इसकी आवाज़ सुनिएगा। इस पत्थर को देखें ये कितना मुलायम है। ये वाला अच्छा सुनो, ये तो लेके जाओ, बहुत मुलायम पत्थर है। हाँ ये लग रहा है जैसे संगे मरमर है, ये ब्राउन संगे मरमर टाइप है। और देखें आवाज भी इसकी बड़ी गरजदार है। अगर आप इस पत्थर को देखें तो ये कुल्हाड़ा बनाने के काम आ सकता है। पुराने जमाने में यही देखें ये देखें यहाँ पहाड़ की चोटी के ऊपर कोई हड्डी है, किसी जानवर की हड्डी है, लेकिन मालूम नहीं कि कितने सालों से यहाँ पे पड़ी हुई है। जानवर की है, हाँ जी जानवर की हड्डी लग हुई है। ये आपको इस पहाड़ की ये बहुत लंबा सफर हम तय करके आए हैं। अगर आप ये देखें तो दूर तक पहाड़ ही पहाड़ के नीचे कुछ मजरे हैं ज़रात के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें यहाँ पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये एक मेला है, किसी चीज की ये हिरन है, लूंबड़ है, लूंबड़ के सींग नहीं होते सर, ये किसी चीज के सींग है। बकरा है क्या, मैं भी बकरा और हिरन समथिंग लाइक दिस। Oh, it is called bone marrow. It's also dry. Fox, a wood. Dogs can. You can estimate the age. Maybe it's 100 year old. Could be more than that. It's looking like wood. Not looking like bone, but the bone in the shape is like bone on it, so we can say. And we found a skeleton also. Yeah. There is one more bone. I found is not coming. No, not there. But maybe leg. Not the thigh. You see? There is a joining with other bones. This is a bone marrow. Totally dry. Yes. Now, the bone marrow, show me the bone marrow. Yes, it's totally dry. Like I said, it's very old. Again, this is a little thicker and harder. Difficult to break. Okay. It looks like a wood. Yeah, it is very old. If it was new, it would be color would be little grayish. It's totally white. It may be 100 year old or more than 100 years. It looks like age after burning some wood. Yes, yeah, same color. Okay, thank you, dear. Just keep it here. It's very heavy also. Yeah, like in iron. Just keep it as a token of this mountain. Yeah, this is a mark. They have marked something. Yes, the government has identified this place. This has been there. Look at this.
next time we need to be prepared. We need to have some water, some fruits maybe, because we get exhausted. Oh my God, look at this. Yeah. Again, you're talking about different types of stone. Brownish stone and around that small, small white stone. The strange kind of stone, inside black, it may be a rock. Look, the totally dry plants are here, no water, nothing, but these are in a